और अंकल जी की हाल चाल जी? हाँ जी आप घनी के पेड़ तो पहले नंबर से जी पुल पलटून पुल बजा ये लाता इन्होंने कल का कल रात तो हूँ आवाजाई तो बहुत मुश्किल आ जिन्हें आ पिंड वाले सारे आन डे अं भी आए हैं हूँ इतने कई अद्धा तो पौना पौना घंटा होया डीकद आवाजा मारद तो आने मोटर बोट जिन्हें अपने मलाह ने वो एक बेड़ी आ सिर्फ इतने रखी ना कोई मोटर बोट है दूजी यो ही आते हैं एक दो बारी पूर पाते जे कोई आपदा तो बहुत दिखते समान है झोने लगन डे ने अजे जे अजे कोई पानी तो इन्ना पद्धर भी नहीं ज़्यादा भी जरा मतलब ला देंगे कोई हफ्ता होर खलो जाते तो कोई गल नहीं है वही तो बाकी ये भी दिखते आ बहुत परेशानी का सामना करना पैंता 6-7 बजे तक 8 बजे तक मतलब पब्लिक आँदी है तो फिर 6 बजे चल जाते हैं 6-6.5-7 बजे तक मिला तो मगरों फिर उत्थे आवाजा देते हैं फिर कोई भी नहीं होता फिर वापस भी जाना पैंता वा तो यो ही प्रशासन अगर मंग आ कि इतने मोटर बोट होनी चाहिए आ एक किश्ती आ तो एक दे नाल गल नहीं की बनती तो मोटर बोट होए तो जिहड़ा भी साड़ा जिनी पब्लिक आ पिंड वाले ने होर भी इन्हों मतलब किसी परेशानियों का सामना जो करते हैं वो ना करना पे जी अं इस करके रिक्वेस्ट करने कि बेनती है साड़ी भी हाथ जोड़ के इतने सानू किश्ती मोटर बोट कोई ना कोई प्रबंध जिहड़ा वा बरसातों का मौसम आ रहा वा गां तो उहदे विच सानू इन्हां चीज़ों का ध्यान में रखदे होया सानू इह मुख चीज़ां जिहड़ियां ने इह मतलब इत्थे सहूलत सानू SDM साहब जो भी अपने इत्थे मतलब सारा कुछ फैसिलिटियां पूरियां करन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪੁੱਲ ਮਤਲਬ 10 ਦਿਨ ਖਲੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਣੀਆਂ ਕੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਆ ਪੁੱਲ ਹੈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੇੜੀਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100-100 ਬੰਦਾ ਬੈਂਦਾ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸੁੱਖੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ ਚੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡੀਸੀ ਆਇਆ।